हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी नंबर लेते समय आपको ये बताना पड़ता है कि जिस प्लेस से आप बिजनेस करने जा रहे हैं वो प्लेस आपको बिलोंग करती है या फिर किसी और को। यदि वो प्लेस किसी और को बिलोंग करती है तो आपको उस केस में एक कंसेंट लेटर इशू करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंसेंट लेटर की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंसेंट लेटर क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम कंसेंट लेटर को बना सकते हैं, कंसेंट लेटर इशू करने के लिए कौन कौन से केसेस में कंसेंट लेटर इशू किया जाता है, इसके बाद कंसेंट लेटर का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कंसेंट लेटर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो लिया जाता है उसका मतलब क्या होता है। कंसेंट लेटर यानी कि एक सहमति पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जिस प्लेस से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं यदि वो प्लेस आपकी नहीं है तो वो व्यक्ति जो कि उस प्लेस का ओनर है वो एक सहमति पत्र लिख करके देता है यानी कंसेंट लेटर लिख के देता है कि आप उस प्लेस से अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको अनुमति दी जाती है और जो ओनर है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के उस प्लेस से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से केसेस में कंसेंट लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे कंसेंट लेटर का जो रिलेशनशिप है वो सीधा सीधा बिजनेस प्रॉपर्टी से है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यदि बिजनेस प्रॉपर्टी यानी कि जिस प्लेस से आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं यदि वो प्लेस आपको बिलोंग करती है यानी कि आपकी सेल्फ प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में कोई भी कंसेंट लेटर वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो यदि प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, आपके फादर या मदर के नाम पर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यदि प्रॉपर्टी जहाँ से कि आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपके ब्रदर के नाम पे, अंकल के नाम पे या कोई आपके मामा हैं, फूफा हैं, ताया हैं, जो भी हैं, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहाँ से कि आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इस केसेस में क्या होता है कि रेंट एग्रीमेंट जनरली नहीं होता है। आप बिना रेंट एग्रीमेंट का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी आपके रिलेटिव्स की है, तो वहाँ पे कोई भी ना तो रेंट एग्रीमेंट होता है ना ही रेंट का पेमेंट होता है। तो ऐसे केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कंसेंट लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंसेंट लेटर में ये जो ओनर्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो आपको परमिशन देते हैं कंसेंट लेटर में कि आप अपना बिजनेस इस प्लेस से कर सकते हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर ये बात होती है कि चाहे आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो या आपके किसी फादर या मदर के नाम पे प्रॉपर्टी हो, ब्रदर अंकल किसी के नाम पे भी प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ और सिर्फ कंसेंट लेटर दे देने से ये प्रूफ नहीं होता है कि वो आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय यदि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं आपके जीएसटी नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जितना आप कम से कम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड अपलोड करना है जिससे कि जीएसटी ऑफिसर उसको जेन्युइन माने और आपको जीएसटी नंबर वो अलॉट कर दे। तो कंसेंट लेटर के साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। तो यदि आप खुद के प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कंसेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ता है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे कि म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो गया या फिर प्रॉपर्टी की टैक्स रिसीट हो गई, ठीक है, आप उसकी कॉपी जो है ओरिजिनल कॉपी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो प्रॉपर्टी आपके रिलेटिव्स के नाम पर है तो आपको उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी रिलेटिव्स के नाम पर है। तो आपको कंसेंट लेटर के साथ साथ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अटैच करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको ध्यान रखने की जिस लोकेशन के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें अटैच कर रहे हैं उसमें उस पर्सन का जो नाम वहाँ पे दिया हुआ है, जो एड्रेस दिया हुआ है, वो दोनों प्रॉपर तरीके से मैच होना चाहिए। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना पड़ता है तो उस फॉर्म में आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि जहाँ से जिस लोकेशन से आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें जो आप एड्रेस डाल रहे हैं
और जो नाम है उस ओनर का, तो वो एड्रेस आपके इस इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच करना चाहिए। यदि नाम में या फिर उस एड्रेस में कोई भी मिसमैच यदि आ रही है, तो फिर ऐसे केस में आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये वेरीफाई जरूर करना चाहिए कि एड्रेस और नाम प्रॉपर तरीके से मैच होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल में किसी भी प्रकार का मिसमैच आ रहा है, एड्रेस में या नाम में मिसमैच आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको फिर वहाँ पे लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो कंसेंट लेटर के साथ साथ आप जो है लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस लोकेशन से आप बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो लोकेशन जो है आपके ना तो आपके नाम पर है वो प्रॉपर्टी, और ना ही आपके किसी रिलेटिव्स के नाम पे वो प्रॉपर्टी है। अल्टीमेटली ये हो गया है कि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर है, यानी कि आपने उस प्रॉपर्टी को क्या किया हुआ है, आपने किराए पे ले रखा है उस प्रॉपर्टी को। अब वो जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे ले रखा है, वो प्रॉपर्टी हो सकता है कि रेजिडेंशियल भी हो सकती है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो आप इन दोनों ही केसेस में यदि आप उस प्रॉपर्टी के लिए जीएसटी नंबर आप लेना चाहते हो उस एड्रेस पर, तो फिर उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो यदि आपने उस ओनर से रेंट एग्रीमेंट यदि करा रखा है, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आपको कंसेंट लेटर भी वहाँ पे क्या करना होगा, अटैच करना होगा। यहाँ पे कंसेंट लेटर और साथ में रेंट एग्रीमेंट को अटैच कर देने से ये प्रूफ नहीं होता है कि वो ओनर सही में वही ओनर है। तो उसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ आपने किराए पे ले रखा है और उसका ये मालिक है और उसका एड्रेस है, तो ऐसे केस में उस ओनर का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना पड़ेगा, यानी उस लोकेशन का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना पड़ेगा जिसमें कि उस ओनर का नाम होगा और एड्रेस प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा। वो नाम और एड्रेस रेंट एग्रीमेंट में जो नाम और एड्रेस मेंशन किया गया दोनों से प्रॉपर तरीके से मैच करना चाहिए। तो यदि नाम और एड्रेस मिसमैच यदि करेगा, तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी से आप स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे की प्रॉपर्टी है और आपने वहाँ पे कोई भी रेंट एग्रीमेंट नहीं करा रखा है, लेकिन आपके पास रेंट की स्लिप है, वो जो ओनर है प्रॉपर्टी का, आपको जब भी आप रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको रेंट की स्लिप देता है, तो आप रेंट की स्लिप के आधार पर भी आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो लेटेस्ट रेंट की स्लिप है वो आपको लेनी है, उसमें प्रॉपर तरीके से नाम होना चाहिए ओनर का, इसके बाद एड्रेस होना चाहिए जिस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो रेंट की स्लिप आप अटैच करेंगे, साथ में आपको कंसेंट लेटर अटैच करना होगा, कंसेंट और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे अटैच करनी है। तो देखिए कंसेंट लेटर जो होगा वो सभी केसेस में सेम टू सेम होगा, उसके मैटर भी सेम टू सेम होंगे, बस डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो केसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, और साथ में आप कंसेंट लेटर को और प्रूफ ऑफ एड्रेस को आप अटैच करके जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि हमें कंसेंट लेटर तैयार करना है तो हम किस तरीके से तैयार करेंगे, क्या ये प्लेन पेपर पे रहेगा या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स पे रहेगा, यदि लीगल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं तो क्या स्टैम्प पेपर पे हमें बना के देना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे भी क्या प्लेन स्टैम्प पेपर पे जाएगा या उसकी नोटरी करानी पड़ेगी, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यदि हमको कंसेंट लेटर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में कंसेंट लेटर भी लिख सकते हैं या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लिख सकते हैं, और इसके बाद आपका आएगा टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, ये जो लाइन आएगी बीच में आएगी, दोनों ही लाइन बीच में आ जाएगी। इसके बाद दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई, अब यहाँ पे जो आई है यहाँ पे नेम ऑफ ओनर आएगा, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, या तो आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है जिससे आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके ब्रदर अंकल फूफा जी मामा जी जो भी है, फ्रेंड है जो भी है, उनका नाम आएगा। यदि आपने प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है तो जो व्यक्ति उसका मालिक है उसका नाम यहाँ पे आएगा, और उसके बाद नाम के बाद ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो एड्रेस आएगा यानी कि जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो लाइन आएगी हैव परमिटेड एंड अलाउड, अब यहाँ पे जो है आपका नाम आएगा, ठीक है, नेम ऑफ प्रोपराइटर,
ठीक, तो यहाँ पे आप अपना नाम इंटर कर देंगे क्योंकि और ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग देयर बिजनेस फ्रॉम द एड्रेस मेंशन अबव। तो यहाँ पे देखिए कंसेंट दिया जा रहा है कि जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है वहाँ से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाली लाइन रहेगी, आई फर्दर स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ नेम ऑफ प्रोप्राइटर, अगेन यहाँ पे नाम आपका आएगा, यूजेस द एड्रेस ऑफ द सेट प्रीमाइसेस एज देयर मेलिंग एड्रेस एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन इशू टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जो है इसको स्टेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यदि ये व्यक्ति यानी कि जो आपका नाम है, आप बिजनेस वहाँ से करने जा रहे हैं, आप अपना यहाँ पे इसको एड्रेस मेलिंग एड्रेस के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं है। इस और यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे SD आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर आपको लिखना है, सिग्नेचर इस तरीके से हो जाएगा। यदि कोई मोहर वगैरह है तो मोहर भी आप यहाँ पे स्टैंपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद डेट और प्लेस आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये फॉर्मेट में आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसको प्लेन पेपर में भी तैयार कर लेते हैं, तो हमें इसको ओनर से सिग्नेचर कराना होगा। तो आप इसको चाहें तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल करके ओनर से आप इसको सिग्नेचर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि GST रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि GST ऑफिसर इस तरीके से जो प्लेन पेपर पे जो कंसेंट लेटर दिया जाता है उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमेशा जो है नोटिस आती है कि आप कंसेंट लेटर को नोटराइज कराइए, इसको आप स्टैम्प पेपर पे टाइप कराइए। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि हम कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे इस कंसेंट लेटर को, इस मैटर को हम टाइप करा सकते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है GST ऑफिसर के ऊपर। तो आपके एरिया का जो भी लोकेशन है, उस एरिया का जो GST ऑफिसर है, आप उसको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये जो GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो रहा है कंसेंट लेटर के वजह से, तो हमें कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये सारा मैटर टाइप करना है, तो वो आपको बता देगा। और उसके बाद इसको नोटराइज कराना है कि नहीं कराना है वो आपको बता देगा। तो जनरली जो है 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के जो स्टाम्प पेपर आते हैं उस पर मैटर टाइप होते हैं और इसको अप्लाई किया जाता है। कभी कभी कुछ GST ऑफिसर ऐसे होते हैं जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर को मानते हैं, ठीक है। तो यदि आप उसको कन्फर्म कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आपको इसको स्टैम्प पेपर पे ही टाइप कराना चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से नोटराइज करा करके तभी आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको आप अटैच कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है आपके GST नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेंट लेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहले से आप वीडियो को देखते आए हैं लेकिन अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय बाय, टेक केयर।